मोजज़ा है। इसीलिए कुरान की हर आयत को बुरहाने हिदायत करार देकर उससे हमें सिराते फितरत तलाश करना चाहिए। और अज़ीज़ाने गिरामी, चूंकि कुरान मोजज़ा है, चूंकि कुरान का हर हर्फ मोजज़ा है, इसलिए कुरान एक जिंदा वजूद रखता है। क्योंकि कुरान के जो औसाफ बयान किए गए कि ये कुरान हकीम, ये कुरान अज़ीम, ये कुरान करीम, ये सभी औसाफ दलील हैं कि कुरान एक सांस लेता हुआ वजूद है। इसीलिए अज़ीज़ाने गिरामी अल-क़द्र, इसीलिए कुरान के साथ उठना सीखिए, कुरान के साथ बैठना सीखिए, कुरान के साथ जागना सीखिए। लेकिन सिखाएगा कौन? लेकिन किससे सीखें? किससे सीखें? ये फकत वही सिखाएगा जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया हो कि कुरान इसके साथ है, ये कुरान के साथ है। कुरान कौन सिखाएगा जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया हो कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया हो कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, जवानाने जन्नत के सरदार हैं, जवानाने जन्नत के तो सरदार हैं ही, लेकिन जवानाने अहले जन्नत के सरदार हैं। ये दिक्कत कीजिएगा अज़ीज़ाने गिरामी, जवानाने जन्नत के सरदार तो होंगे लेकिन जवानाने अहले जन्नत के मानी ये है कि कोई अगर इस ज़र्फ़े ज़मानो मकान में रहते हुए मुस्तहिक़ जन्नत हो जाए। सरदार उसके सैयद कौन होंगे? हसन और हुसैन। इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया यहां से एक कानून मिला जो आपके आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। यहां से हमें कानून मिला कि हसन और हुसैन अलैहि सलातो व सलाम उनके सरदार होंगे जो अहले जन्नत होंगे, जो इस दुनिया में अहले जन्नत होंगे। यानी सैयद के मानी क्या है? सरदार। सैयद के मानी हाकिम, सैयद के मानी आका। लोगों ने मौला के मानी में तो राहें निकाल ली, सैयद के मानी में राहें नहीं निकाल सके। अब अगर हसनैन शरीफैन करीमैन सैयदो सरदार हैं तो याद रखिएगा कि सैयद की बायत ली जाती है, सैयद से बायत ली नहीं जाती। अज़ीज़ाने गिरामी अल-क़द्र, यही वजह है। और अज़ीज़ाने गिरामी, अगर हसनैन शरीफैन अहले जन्नत के सरदार हैं, अहले जन्नत के सरदार हैं, तो वहाँ क्या मकाम होगा कि जहाँ फरमाया गया कि मा अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, कि इनके वालिद गिरामी इनसे अफजल हैं। इसीलिए अज़ीज़ाने गिरामी यही वजह थी कि अल्लाह ने हर नबी को एक निशानी देकर भेजा। अल्लाह ने हर नबी को एक निशानी दी। जनाबे सालेह के लिए
उनकी ऊँटनी को निशानी करार दिया। जनाबे इब्राहीम और इदरीस के लिए बतू ने आसमान दिखाकर निशानी करार दिए। जनाबे ईसा के लिए उनकी मादरे मरियम को निशानी करार दिया। लेकिन जब सरदारे अंबिया आया तो एक खास एहतमाम किया गया, एक अजीजाने गिरामी खास एहतमाम किया गया और आवाज आई के असरा वे आप दे ही। वो अपने बंदे को रातों रात ले गया। और क्यों ले गया, किस वजह से ले गया? लकद रा मिन आयात रब्बिल कुबरा, ताकि अल्लाह अपनी सबसे बड़ी निशानी दिखाए। ये अल्लाह की सबसे बड़ी निशानियां हम अहले बैते नबुव्वत हैं। हम अहले बैते नबुव्वत उसकी सबसे बड़ी निशानियां हैं। अब यहां से ये तो वाज़े है कि अल्लाह की आयात आयाते इलाहिया सबसे बड़ी आयाते इलाहिया अहले बैते नबुव्वत हैं। आयाते इलाहिया अहले बैते नबुव्वत हैं, ये वाज़े है। अगर इतना वाज़े है तो उन आयात तफसीर और ताबीर कीजिएगा जहां पे फरमाया गया कि वल्लजीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, फकर ज़बू पे आयातना, जिसने हमारी आयात को झुठलाया, जिसने हमारी आयात को झुठलाया, बुलाएगा अस्हाबुल जहीन, वही लोग जहन्नुमी हैं। और एक और मकाम पर अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया, या अली बताइए अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी क्या है? लकद रा मिन आयात रब्बिल कुबरा, में आयात रब्बिल कुबरा कौन है? इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह की वो सबसे बड़ी निशानी मैं हूँ। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह की वो सबसे बड़ी निशानी मैं हूँ। ये जुमला अपने अजाने आलिया में महफूज रखिएगा कि अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी अमीरुल मोमिनीन है। सिफीन का मैदान था, एक शख्स अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले आया और जब मुकाबले में आया तो मुंह में कुछ पड़ रहा था। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा क्या पढ़ रहा है? कहने लगा सूरह नबा पढ़ रहा हूं। कहने लगा सूरह नबा पढ़ रहा हूं। यस अलूनका अनिल नबा अल अजीम, ये तुमसे सबसे बड़ी खबर के बारे में पूछते हैं, ये तुमसे सबसे बड़ी खबर के बारे में दरियाफ्त करते हैं। अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराए, पूछा तुझे खुद भी खबर है कि सबसे बड़ी खबर क्या है? तुझे खुद भी खबर है ये सबसे बड़ी खबर क्या है? कहने लगा या अली नहीं मालूम। अली ने सीने पे हाथ रखा तो कदम आगे बढ़े और फरमाया अनन नमाल अजीम, वो सबसे बड़ी निशानी मैं हूँ, वो सबसे बड़ी निशानी मैं हूँ, सबसे बड़ी निशानी भी अली, सबसे बड़ी खबर भी अली, सबसे बड़ी निशानी भी अली, सबसे बड़ी खबर भी अली। कौन समझेगा
اولو فیل رسالت ماں کو کہ حضور نے اسی نشانی کو دکھایا بھی اور خبر بھی سنائی, اس نشانی کو دکھایا بھی اور خبر بھی سنائی, من کن تو کہہ کے خبر عظیم کو سنایا اور بازو اٹھا کے سب سے بڑی نشانی کو دکھایا. اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا, اپنے حبیب کو معراج پر بلایا. جو رسالت باپ نے چشم سر سے دیکھا, جو رسالت باپ نے چشم سر سے دیکھا وہ علی نے چشم قلب سے دیکھا. یعنی معلوم ہوا کہ جو نہ ہی رسالت ماں کے سامنے حجابات زمان و مکان تھے, نہ رسالت ماں کے سامنے حجابات دہر تھے, نہ ہی امیر المومنین کے سامنے حجابات زمان و مکان تھے, نہ حجابات دہر تھے, اس لیے اس قول امیر المومنین پر اعتراض ممکن ہی نہیں ہے کہ جس میں علی نے فرمایا کہ اگر یہ حجاب مائے حدوث و امکان, یہ پردہ ہائے ظلمات جسمانی یا او مکانی یا او زمانی یا او مادی, یا میرے اور میرے اور خالق زمین و آسمان ازلی و ابدی و سرمدی کے درمیان سے اٹھا دیے جائیں تو میرے علم و یقین و معرفت میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. واضح ہے کہ سب سے بڑی خبر بھی علی اور سب سے بڑی نشانی بھی علی. اس مقام پر ایک بات واضح کر دوں, ایک بات چونکہ ایسی توجیحات ممبر سے پیش کی گئیں اسی لیے ان کا رد بھی ممبر ہی سے دیا جانا چاہیے. عزیزان گرامی, امیر المومنین اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے, امیر المومنین اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے, آیت اللہ العظمیٰ ہے. اب ایسے الفاظ مثال کے طور پہ قائد اعظم رسالت ماں کی ذات ہے, لیکن جب ہم ایسا لقب کسی اور کے لیے استعمال کریں گے تو وہاں پر اعتبار اور نسبت کی بات ہوگی. رسالت ماں اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں, جتنے عوالم ہیں, ان مخلوقات میں قائد اعظم ہیں, سب سے بڑے قائد ہیں. اسی طرح علی اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. کس اعتبار سے؟ اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں انسان کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. یعنی ایک عام انسان آیت اللہ ہے, ایک عام انسان اللہ کی نشانی ہے. اگر ایک عام انسان آیت اللہ ہے تو کیسے فرق قائم کیا جائے گا ایک عالم اور ایک جاہل میں؟ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر القابات آئمہ اور علیہم السلام اور رسالت ماں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہاں حقیقت مراد ہوتی ہے, لیکن جہاں انسان کے ساتھ استعمال کیے جائیں وہاں مراد مجاز ہوتا ہے, وہاں نسبتیں اور اعتبارات تبدیل ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والا. گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. اللہ نے سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی خبر کو پہنچا دیا, اور کیسے پہنچایا؟ انتہائی سخت الفاظ نازل ہوئے کہ اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچائے.
अजीजा ने गिरामी एक इल्लते मुरक्केबा होती है, एक इल्लते है। इल्लते मुरक्केबा यह है कि बहुत सी चीजें मिलकर किसी एक काम के होने की वजह करार पाती हैं। इल्लते मुफरदा यह होती है कि कोई एक एक चीज किसी काम के होने की वजह करार पाए। मिसाल के तौर पे इल्लते मुरक्केबा की मिसाल यह है कि मिसाल के तौर पर एक वजन को उठाने के लिए 5 अफराद चाहिए। जब तक एक फर्द रहेगा वो वजन नहीं उठ पाएगा, जब तक 3 रहेंगे वजन नहीं उठेगा, यानी जब तक 5 अफराद पूरे ना हो जाए तब तक वो उस इल्लत से होने वाला काम पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए जनाबे रिसालत माम ने जब तौहीद को पहुंचा दिया, नबुव्वत को पहुंचा दिया, रिसालत के तमाम अहकामात को पहुंचा दिया, तब भी इल्लते तामा की तकमील के लिए एक जुज़्वे अज़ीम बाकी था। जिस वजूद में सिद्क हो, जिस वजूद में सदाकत हो, उस वो वजूद जिंदगी के किसी लहजे में भी झूठ में मुलव्वस ना रहा हो। जब उस वजूद में किसी किस्म का किसी लहजे भी झूठ नहीं रहेगा तब इस अमर पर दलील है कि उस वजूद को दर्जाए इस्मत पर होना चाहिए। जब वो वजूद दर्जाए इस्मत पर पहुंचेगा, दर्जाए इस्मत पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि उस वजूद में विलायत होनी चाहिए। और इसीलिए अल्लामा हिल्ली ने फरमाया कि वली के लिए जरूरी है कि वो मखलूक से पहले भी हो, मखलूक के बाद भी हो। और अजीजाने गिरामी सिद्दीक उसे कहते हैं जो अल्फाज अपनी दहन से दहने अकदस से जारी करे और वो काम पूरा हो जाए, यानी उसकी जबान से अल्फाज पहले निकलेंगे और मशीयत इलाहिया उसको बाद में पूरा करेगी। जनाबे इब्राहिम ने रेगे सहरा को एक एक बोरी में बंद करके घर में ले आए, कहने लगे ये आटा है। जब घर वालों ने खोला तो बीच में से आटा निकला। हैरान होकर पूछा, परवरदिगार मैं तो रेगे सहरा लाया था। आवाज आई कि ए इब्राहिम, ए मेरे खलील, हमने तुझे सिद्दीक बनाया है। यानी कानून समझ आया कि सिद्दीक जो कहेगा, सिद्दीक उसे होना चाहिए कि वो जो कहे वो पूरा हो जाए। अब ढूंढो किसने क्या कहा और वो पूरा हो गया। एक हस्ती नजर आई कि जो कहती हुई नजर आई कि बच्चों तुम्हारे कपड़े तैयार के पास है। पुस्तकों को समेट दिया, वो अफराद जो मर्तबाए सदाकत पर फाइज थे, वो अफराद जो दर्जाए इस्मत पर फाइज थे, वो अफराद जो दर्जाए विलायत पर फाइज थे, उन अफराद के साथ क्या सलूक रवा रखा गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी रुख्सत को जब दरे खैमा पे आए तो वो बच्ची जो सुबह से सुन रही थी
अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, जानती थी कि जो भी ये कहता है वो वापस नहीं आता। जैसे ही जनाबे सकीना ने इमाम हुसैन से ये अल्फाज सुने, दौड़ के बाहर आई, पूछा, बाबा क्या आप भी मरने को तैयार हो गए? क्या आप भी मरने को तैयार हैं? हुसैन ने बड़ा अजीब जुमला कहा। इमाम फरमाते, बेटी वो कैसे तैयार ना हो मरने को कि जिसके साथ कोई यावरा मददगार ना हो, जिसके साथ कोई मददगार ना हो। बीबी तड़प के कहती है, या अब बताओ, रद्दना इला हरमे जल्दना, बाबा हमें हमारे नाना के मजार पे छोड़ आए। हुसैन फरमाते, बेटी मेरे पास अब वक्त नहीं है, यही बेटी यही बीबी जब शामे गरीबा में इसके दामन को आग लगी थी और जब बुझाया गया तो कहती थी, मुझे नजफ का रास्ता बता दो, मुझे मदीने का रास्ता बता दो। अलीना ने गिरामी नफ्सियात कहती है कि किसी यतीम बच्ची के चेहरे पर उसकी माँ के सामने जब तमाचे मारे जाए तो उसकी माँ पर न जाने क्या गुजरती होगी। अपने घर जाती है, अपने शोहर की निशानियां